और ये सब आप लोगों की कामयाबी है, आपके बिना ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता था। और आप बच्चे ही हैं जो आप बड़े लोगों को संदेश दे रहे हैं कि देश को आगे कैसे चलाना है। सर, आज की रैली के बारे में। आज की रैली हमने रोटरी क्लब मिड टाउन के सौजन्य से आयोजित की है। मिलेनियम स्कूल के बच्चों ने इसमें भाग लिया है और रोटेरियंस भी थे। इसका मुख्य जो पर्पस है वो ये है कि लोगों को एक संदेश दें कि वो ईंधन कम जलाएं, कारों का कम प्रयोग करें, एक दिन कम से कम हफ्ते में कार फ्री डे रखें और बाइसिकल्स का ज़्यादा यूज़ करें ताकि फिट भी रहें और हवा भी साफ रहे, साफ हवा में हम सांस ले सकें। हमने आज आप सबके सामने ये बताना चाहा कि हमें पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट करना चाहिए और हमने साइकिल के द्वारा ये बताया कि चाहे जहाँ मर्जी जाना हो हमें साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लोगों के फेफड़े ठीक रहे और पोल्यूशन ना हो। मैं वही दोहराना चाहूँगा कि आज हमारे देश में पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, खासकर दिल्ली और NCR एरिया में, जिसके लिए गवर्नमेंट चाह रही है कि जो गाड़ियां हैं और हम लोग स्वयं चाहते हैं कि अधिक अधिक गाड़ियों को छोड़कर हम साइकिल पे चाहें पैदल चलें और खाली बैठने से बेहतर है कि साइकिल पे चलें और एक एनवायरनमेंट, ग्रीन एनवायरनमेंट, गो ग्रीन, और ये इससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें और एक अच्छा नागरिक साबित हो सकें देश के। करनाल के सेक्टर 12 से आज मिलेनियम स्कूल और रोटरी क्लब मिड टाउन की तरफ से एक सराहनीय पहल की गई और इसमें आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सेफ एनवायरनमेंट और स्टे हेल्थी का एक संदेश जो है स्कूली बच्चों की तरफ से यहां पर साइकिल रैली निकालकर जो है दिया गया था और अटल पार्क में जो है साइकिल रैली का समापन हुआ है। पूरे शहर भर में साइकिल रैली घूमी और बच्चों ने जो है सभी को जो है एक जागरूकता भरा संदेश ये दिया कि साइकिल चलाना जरूरी है और सेफ एनवायरनमेंट का और स्टे हेल्थी का जो एक संदेश दिया गया जिसमें रोटरी क्लब मिड टाउन की भी जो है अहम भूमिका रही। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।